नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली का त्यौहार पूरे प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। दिग्विजय चौटाला आज अपने निवास स्थान सिरसा पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के गठबंधन की हार का कारण बताते हुए कहा कि पहला कारण किसान आंदोलन है, जो कि किसानों को पूरी तरह से समझा नहीं पाए। हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा किसानों को काफी हद तक समझाया गया, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में यह प्रभाव गठबंधन पूरी तरह से छाप नहीं छोड़ पाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व कुछ स्वयं किसान संगठनों ने किसानों को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने शुरुआती दौर में अलग अलग चुनाव प्रचार किया, जिस पर चुनाव प्रचार के कारण दोनों पार्टियों का समन्वय तो अच्छा रहा, लेकिन यह समन्वय देरी से स्थापित हो पाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार की दोनों पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी ऐसा नहीं कहा है कि जेजेपी ने सहयोग नहीं किया, केवल मीडिया द्वारा इसके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने केवल यह कहा था कि कभी भी 100% वोट किसी भी पार्टी को में तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन मीडिया ने इसका अर्थ कुछ और ही निकाल लिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का मजबूत गठबंधन है और आगे 4 साल भी मजबूती से गठबंधन की सरकार चलेगी। गठबंधन की 1 साल की उपलब्धि पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पंचायती राज में 75% महिलाओं का आरक्षण तथा प्रदेश में युवाओं को नौकरी में भागीदारी व पिछड़े वर्ग के हितों के लिए किए गए बड़े फैसले गठबंधन सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव प्रचार में उतारने के बावजूद इनेलो 7,000 के वोट भी पार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि आज इनेलो को कौन सा नेता लीड कर सकता है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। मेरी तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से और सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदेश के, देश के प्रत्येक नागरिक को दिवाली के इस पावन पवित्र पर्व की, अंधेरे में उजाले के इस त्यौहार की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जैसे परमपिता परमात्मा भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से लौटकर और राम राज उन्हें स्थापित किया था, उसी नक्शे कदम पर चल करके जो जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर डाली है, भगवान राम का जो राम राज था वैसा राम राज हरियाणा में स्थापित हो। आज के इस दिन हम शपथ लेते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुखद भविष्य दें और उनके उज्जवल भविष्य की तरफ उनको लेकर के जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। फिर से दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और आप सबके जीवन में बहुत सारी रोशनी और बहुत सारी खुशियां ये त्यौहार लेकर के आए। कारण ये है कि पीछे जो किसानों को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और स्वयं किसान संगठनों ने बरगलाने का काम किया, एक तो उसका बड़ा प्रभाव अभी तक था जो हम बहुत हद तक समझाने में कामयाब रहे हैं किसानों को, मगर उतना नहीं समझा पाए जिससे बड़ौदा की सीट पर हम उस विनिंग मार्जिन तक पहुंच जाते हैं। ये बात अलायंस के जो सीनियर लोग हैं उनने आपस में निरंतर इस बात को महसूस भी किया और डिस्कस भी किया और हमने बहुत प्रयास भी किया। दूसरा मामला जो है, मैं ये मान करके चलता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा स्थापित हुआ दोनों संगठनों के बीच में, मगर बहुत लेट हुआ। बहुत अच्छा हुआ मगर बहुत लेट हुआ। यही कोऑर्डिनेशन अगर 2 महीने पहले से दोनों पार्टियों के नेता निकलते, हम अपना प्रयास कर रहे थे, बीजेपी के लोग अपना प्रयास कर रहे थे, अगर ये प्रयास 2 महीने 2.5 महीने पहले एक साथ हो जाता तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई भी किसी तरह की दिक्कत तकलीफ होती। लास्ट मिनट में वी वर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, समय कम था और काम बड़ा था, मगर फिर भी बहुत अच्छी तरह, इतनी कठिनाई के बावजूद भी बहुत अच्छी और बहुत मजबूती से दोनों पार्टी के संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा भी, मेहनत भी करी। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को मिल गई 37,000 वोट से। आज दोनों संगठन के लोग 50,000 तक इसको लेकर के गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव
जो अगले विधानसभा का चुनाव होगा बड़ौदा की सीट गठबंधन को मिलेगी। मैं समझ इसने वही कहा कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वो होता है जो वोट डलवाता है, और कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उसके बावजूद जो कुछ कमियां रही मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, उनको हम ओवरकम नहीं कर पाए, और वो समय रहते हो जाती तो फिर मैं मानता हूं कि हम उसको भी ओवरकम कर पाते। मानते हैं अगर हार हुई है तो हम सब उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हार हुई है तो प्रत्येक कार्यकर्ता इस संगठन में, ये वो संगठन नहीं है कांग्रेस की तरह जिसमें जीत होती है तो राहुल और सोनिया को जाती है, हार होती है तो नीचे वालों को जाती है। हम तो स्वयं सब मानते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हों और चाहे अंतिम पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता हो, ये हम सब की जिम्मेवारी है, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उसकी है जो फ्रंट में है। एक बयानबाजी शुरू होगी थी इलेक्शन के बाद ही कि बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी, चाहे सीएम साहब, ऐसा नहीं है। सीएम साहब ने ये कहा, मीडिया के लोग, अब देखो ये तो आप लोगों की चलाकी है, उनने क्या कहा, उनने ये कहा कि जनरली वो ट्रांसफर पूरा नहीं हो पाता, और वो ये मानते हैं कि 80% 70-80% तक ही हो पाया। ये उनने एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया, उनने कहीं ये नहीं कहा कि जजपा का वोट नहीं गया, मगर उतने ही लाइन को काट करके टेलीविजन पर चला करके आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। मगर जेजेपी बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत है, मैं नहीं मानता कि ये मीडिया के इस चाल में ये दोनों पार्टी किसी भी तरह से फंसेंगी। निश्चित तौर पर उनका कहने का मतलब कुछ और था, और आपका उसको चलाने का जो नजरिया था वो अलग था। 75% आरक्षण का बिल, महिला को जो है 50% रिजर्वेशन पंचायतों में, और इसके अलावा हमारे जो बैकवर्ड कास्ट के भाई हैं उनको उनका अधिकार मिलना, ये तीन बड़े सपने पूरे हुए। अगले 4 साल पड़े हैं, हमारे जो 33 पॉइंट हमने नोट किए थे उन पर हमारा काम जारी है। अगले 4 साल हरियाणा के लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य उनका लाने के लिए ये दोनों पार्टियां बहुत मजबूती से काम करेंगी।